मूवी का नाम है टेड 2, जो कि टेड पार्ट 1 का सीक्वल है। और अगर आप लोगों ने टेड पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। जब आप पहले उसे देखोगे तभी आपको ये मूवी समझ में आएगी। तो ये मूवी ऐसी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक टेड है जिसके अंदर जान आ जाती है और जो कि लड़कियों को पेलता है, उठा उठा कर और सस्ते नशे करता है। तो दोस्तों मूवी की शुरुआत करते हैं हम लोग बिना देरी के, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं मूवी की स्टार्टिंग में हम लोग टेड को देखते हैं जिसकी शादी लीन से हो रही थी, जिसको उसने उस रात स्टोर में ठोका था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इन लोगों की शादी हो रही होती है, डीजे वाला भाई अपने गाने चला रहा होता है, पर यहाँ पर टेड को उसके गाने पसंद नहीं आते तो टेड उसके सिर पे एक बियर की बोतल फेंक के मारता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जिसका भी 6 महीने पहले ब्रेकअप हुआ था और जो भी बहुत ज़्यादा उदास था। यहाँ पर टेड उसके पास आता है और अब यहाँ से हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेड की लड़ाई हो रही थी उसकी वाइफ लीन से। यहाँ पर जो टेड था वो लीन से कह रहा था कि तुम्हारे बाप ने मुझे इतने पैसे नहीं दिए हैं जो तुम इतना खर्चा करती हो। तो यहाँ पर लीन भी टेड से कह रही थी कि मेरे बाप ने मुझे इतने पैसे भी नहीं दिए कि तुम मेरे पैसों पर ही सस्ते नशे करो। यहाँ पर इन दोनों के बीच में बुरी तरह से लड़ाई हो जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टेड है वो जॉन के पास एक बार में आता है, जहाँ पर ये दोनों अपनी आपस में बातें कर रहे होते हैं अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में। यहाँ पर हम देखते हैं कि टेड के पास और जॉन के पास यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि जॉन से कहती है कि मेरा नाम स्टेसी है और मैं तुम्हारे साथ गपागप करना चाहती हूँ। यहाँ पर दोस्तों जो जॉन होता है उसकी बात को सुनने के बाद उसे यहाँ से भगा देता है, पर तभी यहाँ पर जो टेड होता है वो गुस्सा हो जाता है जॉन से और जॉन से कहता है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं उसको ऑफर को नहीं ठुकराता। अब यहाँ पर जो टेड था वो जॉन को गाली देने लगता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग टेड को देखते हैं जो कि अपनी शॉप में जाता है, अपने उसी पुरानी शॉप में, और वहीं पर एक एम्प्लॉय से पूछता है अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो उसका जो एम्प्लॉय होता है उसे शॉप का, तो वो उसे बताता है कि क्यों ना तुम और लीन एक बच्चा करो। अब टेड को यह आइडिया अच्छा लगता है और वो लीन को बताता है तो लीन भी बहुत खुश हो जाती है इस बात से। और यहाँ पर ये दोनों इतने ज़्यादा हैप्पी होते हैं क्योंकि इनको लगता है अब यहाँ पर हम बच्चा करेंगे, और इस खुशी में ये लोग यहाँ पर गपागप फिर से करने लगते हैं। अब यहाँ पर जो शॉप का ओनर आता है वो यहाँ पर टेड को बुला लेता है, उसे रस्टिगेट कर देता है कि अब तुम यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकते और अब ये तुम्हारा लास्ट चांस है। इसके बाद टेड जॉन के पास जाता है और उसे अपनी दुख भरी कहानियाँ सुनाता है और उसे अपने गम बताता है। अब यहाँ पर जो जॉन होता है वो टेड से कहता है कि क्यों ना तुम्हें बच्चा कर लेना चाहिए, और यहाँ पर टेड कहता है कि मैं कहाँ से कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास तो बच्चा करने वाला औजार है ही नहीं। तो यहाँ पर जॉन उसे एक आइडिया देता है कि क्यों ना तुम एक दूसरे का सीमन जो है उसे डोनेट करो, यानी कि किसी और से कहो कि वो तुम्हें सीमन डोनेट करे और तुम उसे अपनी वाइफ के अंदर डालो जिससे कि पैदा हो सके। अब ये लोग एक आदमी के पास जाते हैं जो कि सीमन डोनेट करता था, पर वो भी इन लोगों से मना कर देता है ये कहकर कि उसने जवानी में बहुत सारा सीमन डोनेट कर दिया है और उसके पास अब वो नहीं है। अब ये लोग उदास होते हैं, समंदर के किनारे घूम रहे होते हैं, पर तभी रात हो जाती है और ये लोग अपने घर पर आ जाते हैं। अब ये लोग एक आदमी के घर पर जाते हैं जो कि एक सीमन डोनेट करता था। अब ये लोग जैसे उसका कच्छा उठाते हैं तो वो आदमी जाग जाता है और उन लोगों को मारने लगता है और इनको नीचे फेंक देता है। अब दोस्तों इस सीन के बाद यहाँ से जो सीन है वो यहाँ से कट होता है और हमें दूसरे सीन की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग एक हॉस्पिटल में आते हैं। और यहाँ पर जो हॉस्पिटल में आने का इनका कारण ये था कि यहाँ पर टेड जॉन से कहते हैं कि तुम मुझे अपना सीमन डोनेट कर दो। अब यहाँ पर जो जॉन होता है वो सीमन लेकर टेड को चिढ़ा रहा होता है, पर तभी सीमन की एक ट्रे पूरी जॉन के ऊपर गिर जाती है और टेड उसकी फ़ोटो खींच लेता है और कहता है कि ये मैं फेसबुक पर डालूंगा और तुम्हें चिढ़ाऊँगा। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर उस कंपनी का मालिक आता है फिल्म का, और यहाँ पर हम एक आदमी को देखते हैं डीन को, जिसको कि हमने पिछले सीक्वल में देखा था जिसने टेड को चुराया था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टेड और लीन डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टरों ने मना कर देता है कि तुम लोग माँ नहीं बन सकती क्योंकि तुमने बहुत सारा नशा करा है जिससे कि तुम्हारा जो अंदरूनी सिस्टम है वो ख़राब हो गया है और तुम अब माँ नहीं बन सकती। ये सुनकर इन दोनों के चेहरे पर उदासी आ जाती है। अब ये दोनों घर जाते हैं पर ये लोग एक बच्चा अडॉप्ट करने की सोचते हैं, जिससे कि इनके चेहरे पर कुछ खुशी आती है, पर ये खुशी गम में बदल जाती है जबकि एक अडॉप्शन सेंटर की मालिक इनसे कह देती है कि तुम लोग एक बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि जो टेड है वो अब भी एक नॉन लिविंग थिंग है और इसका किसी को नहीं पता कि ये कैसे बोल रहा है, इसलिए तुम बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते। अब हम लोग जॉन को देखते हैं जो कि टेड के मैनेजर से बात करता है टेड को वापस नौकरी पर रखने के लिए, क्योंकि उसने टेड को निकाल दिया था, वो उसे वापस नौकरी पर रखने के लिए उसे गुजारिश करने आया था क्योंकि टेड के घर में पैसों की दिक्कत चल रही थी। अब हम देखते हैं कि टेड और लीन अपने बेड पर होते हैं लेट नाइट को, और ये लोग बात कर रहे होते हैं कि टेड को एक लेटर आया है कोर्ट की तरफ से कि वो अब एक प्रॉपर्टी बनने वाला है क्योंकि उसके अंदर जान नहीं है और वो एक इलीगल चीज़ है। अब यहाँ पर टेड ये बात अपने दोस्त को बताता है और वो कहता है कि हम तुम्हारी बात एक बड़े से बड़े लॉयर से करेंगे। अब वो एक बड़े लॉयर के पास आते हैं और वो उससे कहते हैं
कि आप हमारा केस लड़ेंगे, तो वो लॉयर उनसे मना कर देता है और कहता है कि मैं एक नॉन लिविंग थिंग का केस नहीं लड़ सकता और मैं ये केस लड़ूंगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं, मैं हार जाऊंगा। अब ये लोग दोस्तों उदास होकर इस लॉयर के पास से भी चले जाते हैं। पर ये लॉयर यहाँ पर इन्हें अपनी बेटी स्टेसी के बारे में बताता है, जो कि एक गंजैडी थी इन लोगों की तरह। वो स्टेसी भी एक लॉयर थी जो कि नई नई थी, और वो कह रहा था कि स्टेसी शायद तुम्हारा केस लड़ सकती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों गंजैडी तो एक साथ मिल जाते हैं, तो गांजा तो पक्का फूकना ही था, ये लोग गांजा फूक रहे होते हैं। तभी हम डीन को देखते हैं यहाँ पर, जो कि उस मैनेजर के पास आता है, उसे बताता है टेड के बारे में कि अगर वो लोग टेड को चुरा लेंगे, वो उसका पोस्टमार्टम करके देखेंगे कि उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि वो बोल पा रहा है, और वो ऐसे हज़ारों टेड बनाकर मार्केट में बेचेंगे जिससे कि वो जल्दी अमीर बन जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो स्टेसी है वो यहाँ पर लीन और जॉन के साथ बैठी होती है, और साथ में टेड भी होता है, और वो इनके केस के बारे में डिस्कस कर रही होती है। पर स्टेसी यहाँ पर कहती है कि मेरा एक दोस्त है पैट्रिक, मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा वकील है। अब यहाँ पर दोस्तों कोर्ट की सुनवाई हो रही होती है टेड के ऊपर, तो जो जज होता है वो टेड को एक नई तारीख दे देता है अपने केस के लिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो टेड है और स्टेसी है, और यहाँ पर जॉन भी हम उनके साथ देखते हैं कि यहाँ पर वो पैट्रिक का पता निकाल रहे हैं, और यहाँ पर जो स्टेसी होती है वो पैट्रिक से इनका अपॉइंटमेंट बुक कर देती है। अब ये लोग पैट्रिक से मिलने जा ही रहे होते हैं कि रात को ये लोग गाड़ी में ही नशे फूकने लगते हैं, और जो टेड था वो गाड़ी चला रहा था, और वो किसी और के फार्म में इनकी गाड़ी को अटका देता है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये लोग बुरे फंस जाते हैं, पर वहाँ से सही सलामत निकल आते हैं। अब ये लोग रात में बैठ के इन्हें दिखती है कि उस आदमी ने अपने खेत में गांजे की खेती कर रखी थी, जो कि इन लोगों के लिए सोने पर सुहागा हो गया था। अब हम अगला दिन देखते हैं यहाँ से कि ये लोग पैट्रिक के पास पहुँचते हैं। यहाँ पर ये लोग पैट्रिक को सारी कंडीशंस के बारे में बताते हैं, पर पैट्रिक भी मना कर देता है केस लड़ने के लिए। अब ये लोग बाहर आके फिर से अपना रंडी रोना रो रहे होते हैं। अब यहाँ पर हम टेड को देखते हैं, जो कि एक फेयर में जाता है, ट्रेड फेयर में। वहाँ पर एक अजीब सा एक मंकी और टर्टल की कॉस्ट्यूम में एक आदमी आता है, जो कि डीन ही होता है। अब वो यहाँ पर टेड को एक फ़ोटो खींचने के बहाने एक प्राइवेट जगह पर ले जाता है और उसे पकड़ लेता है। पर दोस्तों यहाँ से जो टेड होता है वो किसी तरह से अपनी जान को बचाकर डीन से भाग निकलता है, और हम देखते हैं कि जो डीन होता है वो फाइनली किसी न किसी तरह से टेड को पकड़ लेता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वो टेड को उस पोस्टमार्टम रूम में लेकर आ ही रहा होता है, वो उसकी चीटफाड़ करने ही वाला था, पर तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है, जो कि डीन को बहुत बुरी तरह से मारता है और टेड को बचा लेता है। अब यहाँ पर जो डीन होता है वो यहाँ पर एक UFO का वायर काट देता है, जिससे कि वो UFO जॉन के ऊपर आकर गिरता है, और टेड उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। पर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जो कि जॉन को हॉस्पिटल में भर्ती कर देती है, पर टेड वहाँ पर रोने लगता है। और यहाँ पर तभी हम देखते हैं कि जो जॉन है वो हो जाता है, वो खुश हो जाता है और उठ जाता है, जो कि एक प्रैंक कर रहा था। तभी वहाँ पर पैट्रिक आता है, जो कहता है कि टेड को रोता हुआ देखकर अब मैं तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार हूँ, जिसके बाद जो टेड होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और अगले दिन कोर्ट में टेड की सुनवाई होती है और टेड ये केस जीत जाता है। दोस्तों ये जो मूवी है यहीं पर एंड होती है, और हम देखते हैं कि जो टेड है उसने एक बच्चा भी गोद ले लिया है। तो दोस्तों कुछ इसी तरह से जो टेड की जो मूवी है इसका पार्ट 2 ये यहीं पर एंड होता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।